हमारे साथ जेडीयू के नेता दसई चौधरी जी हैं, क्या हुआ अंदर बैठक में ये बस बता दीजिए। उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार सरकार में जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव में रखते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार जी को अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए और यही कार्यकर्ताओं की इच्छा है, उसका समर्थन वहाँ बैठे हुए सारे जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उन लोगों ने हाथ उठा कर के समर्थन किया। फिर मुख्यमंत्री जब उठे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हम तो नहीं चाहते थे लेकिन सब लोगों का आग्रह है तो हम इसको स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष के ललन सिंह ने क्या कहा? ललन सिंह ने कहा कि हमको चूंकि चुनाव लड़ना है और हम काफ़ी दिनों तक रह चुके हैं अध्यक्ष के पद पर, और चूंकि चुनाव करना है और भी चुनाव व्यवस्था देखना है, इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा करते हैं और नीतीश कुमार जी को समर्थन करते हैं। एक आपसे अंतिम बार, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं, प्रस्ताव आया बिजेंद्र यादव की तरफ से, नीतीश जी ने स्वीकार किया, उसके बाद फिर ललन सिंह ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं, पहले ही ललन सिंह ने कह दिया था। हाँ, पहले क्या हुआ? ललन सिंह ने पहले ही कह दिया था कि हम काफ़ी दिनों तक अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और हमने संगठन को ठीक ठाक चलाया है, अब प्रस्ताव आया है मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष बनने का, हम उसके समर्थन में हैं। समर्थन तो बिजेंद्र यादव ने पहले प्रस्ताव दिया और फिर ललन सिंह ने उसका समर्थन किया। तो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण बयान दसई चौधरी जेडीयू के नेता, जिन्होंने न्यूज 18 इंडिया पे कंफर्म किया क्या कुछ हुआ बिजेंद्र यादव। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाए, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी पटना में मौजूद हैं। चंद्रमोहन, अब ये दरअसल क्या सिर्फ सियासत इतनी ही थी या इसके आगे भी बहुत कुछ दिखाई दे सकता है, खासतौर पर पटना में? बिल्कुल, देखिए अभी इसके आगे बहुत कुछ बाकी है। नीतीश कुमार अगर अपने हाथ में कमान ले रहे हैं किसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो जाहिर सी बात है उनके मन में कुछ और भी चल रहा होगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और नीतीश कुमार नया करने वाले हों, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि नीतीश कुमार जो कुछ भी करते हैं वो किसी को पता नहीं चलता है और किसी को पहले एहसास तक नहीं होता है, और अब नीतीश कुमार जब कमान अपने हाथों में ले लिए हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की अगली रणनीति क्या है ये जरूर उनके मन में कुछ चल रहा होगा। और कहा यह जा रहा है कि आज से कुछ दिन पहले पार्टी को तोड़ने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उन्होंने मन बना लिया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब खुद बनेंगे, जैसा कि पार्टी के नेताओं से जानकारी मिली थी, सूत्रों से ये जानकारी मिली थी। और अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब महागठबंधन की बात उठती है, जिसमें नीतीश कुमार को यह कहकर उस महागठबंधन में लाया गया था कि वो प्रधानमंत्री के चेहरा बनाए जा सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर और साथ ही उनको कन्वेनर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की कई बार बैठकें हुई लेकिन उसमें बातें साफ नहीं हो पाई, और जब अंतिम बैठक दिल्ली में हुई उस समय ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझा दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं नाराजगी भी चल रही थी। साफ तौर पर नीतीश कुमार के बातों को समझा जा सकता है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के वक्त में बने हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर कुछ चल रहा होगा, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में जरूर होगा।